ओके ये लाल लाल वहां पे लगा दो दीवार पे. ओके एनके एनके हियर नाउ. यस मेरे भाई. उसे जाकर कहो कि मैं बुला रहा हूं. ओके एक मिनट. और अगर उन्होंने आने से मना कर दिया तो मना नहीं कही. यू वोंट डेयर. तुम जाकर कहना कि जल्दी आए. मुझे किसी की वेट करने की आदत नहीं है. Yeah, right. Hi, खुशी जी. वो नन्ना है ना, वो आपको अंदर बुला रहे हैं वहां पे. उनसे कहिए कि हम नहीं आएंगे. आप ना नहीं कर सकती. You won't dare. मुझे किसी का वेट करने की अदालत नहीं है. क्या? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं. ऐसा नन्नम ने कहा. वो क्या है कि नन्नम को किसी का वेट करने की अदालत नहीं है ना. That's why. अदालत नहीं नन्हे जी, आदत. वही आदत अदालत. और जो इतनी अदावत दिखाए, हमें उनके सामने जाने की आदत नहीं. वो हो खुशी जी, पहले तो आप इतना डिफिकल्ट हिंदी वाला मैसेज भिजवा रही हैं, और ऊपर से नन्नम भी वहाँ पे लैपटॉप पे गुस्से में बैठा है. दिस इज क्रेजी. हाँ तो उसमें कौन सी नई बात है, हर वक्त तो गुस्से में रहते. Yeah, right. आप जाइए और उनसे कहिए कि ना ही हम उनके गुलाम हैं और ना ही उनके गुस्से के मोहताज. What? वो ना ही तुम्हारी गुलाब है और ना ही तुम्हारी घूसे की मुमताज है. मुमताज नहीं नानी जी, मोहताज. मोहताज जाकर कहो कि वो जो इतना गुरूर कर रही है. What? Just एक मिनट. ओके रुक जाओ. घूर घूर जी नानी जी. ये लो कान पे लगाओ. ईयर पुट पुट और बात करो. और जितने भी हिंदी के बड़े बड़े वर्ड्स बोले ना एक दूसरे को बोल दो बी हाईजैक. ओके गॉश कमाल है. I mean, it's amazing. किसी ने सही कहा है. ओके ये प्यार अंधा होने के साथ साथ स्टूपिड भी होता है. हेलो. हेलो मैम, मैं अमन बोल रहा हूँ. जी अमन जी नमस्ते. मैम मैं बहुत देर से अर्नव सर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मोबाइल अनरीचेबल आ रहा है और आपके घर का लैंडलाइन भी कॉन्स्टेंटली इंगेज है. तो हम क्या कर सकते हैं? मैम प्लीज बस उन्हें इतना बता दीजिए कि जिस डील को लेकर वो इतना परेशान थे वो डील नहीं हो पाई. क्या हे देवी मैं, उनका काम नहीं हो पाया. एक मिनट अमन जी, आप ये सब हमें कहने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप उन्हें मैसेज भी तो कर सकते हैं. मैम एक्चुअली फोन अनरीचेबल है तो उन्हें मैसेज कैसे मिलेगा. मैम प्लीज आप उन्हें इन्फॉर्मेशन अर्जेंटली दे दीजिए. अर्नव जी आपके किसी डील को लेकर बहुत बड़ी समस्या हो गई है. आप अभी अमन जी को फोन कीजिए, वो आपको सब बता देंगे. क्या काम उन्हें तुमसे? उन्होंने कहा कि
जिस डील को आप लेकर परेशान थे वो डील नहीं हुई। नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई, अच्छा क्या? हाँ? ना धन्यवाद कहते और ना माफी मांग पाते। अमन ने जो कहा वो रिपीट करो। उन्होंने कहा कि डील नहीं हुई। हाँ अमन, डील हो गई, खुशी आ गई। थैंक्स। धोखा? आपने जानबूझ के अमन जी से हमें फोन करवाया। अब डील पक्की है या नहीं? अच्छा, तो हम आपके लिए एक डील है। ऑफ कोर्स, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डील हो। आपने बेईमानी की है। ईमानदारी से बुलाता तो तुम आती? नहीं आते, क्योंकि हम आप पे गुस्सा है। आपने हमारा फोन काट दिया। तुमने भी तो काटा 3 बार। क्योंकि हम आपसे गुस्सा थे, आपने हमारा दिल दुखाया अर्णव जी। हम सॉरी। वैसे तो हमें भी आपसे माफी मांगनी चाहिए। हम जानते कि हमने जो कुछ भी किया उससे आपको बहुत दुख पहुंचा होगा। ठीक है, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। थैंक्स खुशी। पीछे एक बार अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो फिर नहीं पकड़ूंगा। आपने ऐसा क्यों कहा? जस्ट किडिंग खुशी, रिलैक्स। हमें ऐसे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे आप? ओके। ऐसी बात दोबारा कभी मत कीजिए। ओके, आई एम सॉरी। नीचे चले। Let's go।